आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले बहुत सी दुनिया क्रैश होने वाली थी। सारे ब्रह्मांड इधर उधर हो रहे थे, सारी दुनिया एक दूसरे के अंदर समा रही थी। और फिर कुछ एलियन रोबोट्स ने कुछ ऐसी तरकीब लगाई जिससे वो सारी दुनियाएं भी बच गए और उनका प्लेनेट भी। उन बाहरी दुनियाओं वाले रोबोट्स ने बनाए थे 2 रोबोट्स और उनमें से एक था वेनम, और वो एआई एक रेड चिप एआई था। और उस एलियन की दूसरी क्रिएशन थी थेनोस का एआई, वो भी एक रेड चिप एआई था। वो दोनों एआईज अपने आप में बहुत सारी पावर्स समन करते थे और उन सारी पावर्स में भरी होती थी बहुत सारी रेडिएशंस। जब सारे प्लैनेट्स बच गए तब जितने भी एआई उस पैरेंट्स को बचाने के लिए क्रिएट किए गए थे उन सबको मार दिया गया, और उन 2 AIs में से वेनम और थेनोस भी मारे गए थे। बाद में उन एलियन रोबोट्स ने उन एआई के चिप्स निकाल लिए और उन्हें दूसरी बॉडी में स्टोर करने का डिसाइड किया गया, और इसी तरीके से उन्हें रिबूट करके फिर से एक बार बनाया गया था। पर सारी गैलेक्सीज में ग्रेविटेशनल लॉज बहुत ज़्यादा अलग होते और उन ऑब्जेक्ट्स के वेट पे भी बहुत डिपेंड करता है ये सब, और इसी वजह से उनका धरती पे साइज टॉय जितना था। पर भले ही उनका साइज छोटा हो, वो थे तो एक अल्फा गॉड लाइक क्रिएचर्स जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपने रेडिएशन से तबाह कर सकते थे। और दोनों में इम्प्लांट थे रेड चिप्स जो बुराई का सिंबल होता है, और ये कहानी उसी नेक्सस इवेंट पे बनी है। और अगर ये दोनों अल्फा क्रिएचर्स एक दूसरे से लड़ने लगे तो उनकी रेडिएशन से आसपास की जगहों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और इसी वजह से इस इवेंट को कहा जाएगा सुनो कमांडर, कमांडर पूजोए को बुलाओ। ठीक है सर, अभी बुलाता हूँ। कमांडर बोजोए रिपोर्टिंग सर। अच्छा सुनो कमांडर बोजोए, धरती पे कोई गड़बड़ हुई है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ तो धरती पे नहीं हुआ सर। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है धरती पे कोई खतरा आने वाला है। आप कहे तो एक बार चेक करिए क्या सर? नहीं, हमें अभी इंटरगैलेक्सीज में भी जाना है, बाद में करेंगे। पर सर आपको किस बात की फिक्र हो रही है सर? हमारे सारे के सारे खतरनाक रेड चिप एआई धरती पे ही है, और उन सब में से सबसे खतरनाक है थेनोस और वेनम। कुछ हुआ है क्या सर उसकी वजह से? वो दोनों प्योर करप्ट माइंड वाले, उनका कोई भरोसा नहीं, उनकी बुराई ही उनकी ताकत है। अभी भी तुम ये मत बोलना, एआई तो है लेकिन वो लोग अल्फा टाइटंस भी है। अब बस थोड़ी देर और लगेगी मुझे अर्थ की रेडिएशन लेने के लिए, अब बस थोड़ी देर और। सर
इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हालात ठीक नहीं है। आखिर क्या हुआ कमांडर बुझोए? सर थेनोस अर्थ से रेडियोएक्टिव एनर्जी ले रहे हैं। क्या वो रेडियोएक्टिव एनर्जी को अपने अंदर सोख ले रहे हैं? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बस मुझे आजादी चाहिए। हे बोझोय सुनो, इमरजेंसी है, मुझे डॉक्टर डूम से मिलना है। ऐसी क्या इमरजेंसी आयरन मैन, मुझे भी तो बताओ। तुम जल्दी से जाके डॉक्टर डूम को बुलाओ। क्या हुआ आयरन मैन, बताओ। अर्थ पे खतरा आ रहा है। अब बस एक आखिरी हमला और पूरा खेल पलट जाएगा। वेनम, थेनोस और वेनम के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। क्या दो बड़े अल्फा टाइटंस के बीच में फाइट? ऐसे तो रेडिएशन से पूरी धरती चली जाएगी। ये किसने किया? सामने आ जाओ। तुम्हारी मौत नजदीक है वेनम। एक बार फिर सोच लो वेनम, अगर तुम अपनी शक्तियां मुझे दे दोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वेनम कभी हारता नहीं। अच्छा तो मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। डॉक्टर डूम, अगर उनकी लड़ाई चलती रही तो? जानता हूं धरती पे उनकी रेडिएशन हावी हो जाएगी, सारे इंसान डीकंपोज होके मरने लगेंगे। हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना ही पड़ेगा डूम।
अब मैं इससे ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊँगा। यहाँ की सारी एनर्जी सोर्सेस ख़त्म हो गई है और मेरे पास रेडिएशन भी नहीं अटैक करने के लिए। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं इसे ज्यादा समय नहीं रोक पाऊंगा। मुझे रेडिएशन की जरूरत है। मैं इस फाइट में मर भी सकता हूँ। मुझे कैसे भी निकलना होगा। अभी जो अटैक मेरे पास बचा है मुझे वही करना पड़ेगा। उसके पावरफुल अटैक को ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाए। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा प्लान कैसे सक्सेस होगा। मैं इसे अभी नहीं रोक सकता। मुझे ऐसे निकलना ही होगा। और कितने देर तक मुझसे बचेगा ये थानोस? चीफ, थानोस वहां से बच निकला। क्या थानोस वहां से भाग गया? उन दोनों की लड़ाई की रेडिएशन की वजह से धरती का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। लड़ाई और चलने वाली है। बस और थोड़ी देर।